किचन गार्डनिंग की जब हम बात करें और वेजिटेबल्स की बात करें तो चिली जो है वो हमारी बेसिक नीड्स में से एक है, और बहुत ज़्यादा तो नहीं बट नॉर्मली घर में जो है वो चिलीज़ का यूज़ किया जाता है, और अगर वो घर की हों तो क्या ही बात है। और 3 से 4 प्लांट अगर आपने लगा रखे हैं तो आपको ऑब्वियसली घर से बहुत अच्छी चिलीज़ मिलती रहेंगी अपने घर के लिए यूज़ के लिए, और बहुत तीखी नहीं होती हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है इन चिलीज़ का, और केमिकल्स के बग़ैर ग्रो करें तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने जितने प्लांट्स ग्रो कर रखे हैं मैं कुछ भी केमिकल इनमें यूज़ नहीं करती हूँ, ये मेरे विंटर के प्लांट्स हैं और अभी इनमें बहुत अच्छी सी आप देख सकते हो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी हो रही है। तो आज जो है वो मैं आपके साथ इसी प्लांट की केयर टिप्स और साथ ही आपको फर्टिलाइज़र के बारे में भी शेयर करूँगी जो मैं इनको ट्रीट करती हूँ, मैं इनको देती हूँ। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर, और आपकी गार्डनिंग भी कैसी चल रही है ज़रूर इनबॉक्स में बताइएगा, और अगर आप नहीं करते हैं वेजिटेबल्स की गार्डनिंग तो ज़रूर कीजिएगा, यकीनन जब आप किचन में यूज़ करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप उनको मज़ीद ग्रो करना पसंद करेंगे। तो चिलीज़ बहुत अच्छे से हार रही हैं, इनको हार्वेस्टिंग करने में भी बहुत अच्छा लगता है। बट अगर हम केयर टिप्स की बात करें तो सबसे पहले सॉइल की बात आती है कि चिलीज़ को हम किस तरह की सॉइल्स में लगाएँ। तो मिट्टी नॉर्मली जो हम कोई भी वेजिटेबल की फ्रूटिंग प्लांट लगाते हैं तो नरिश नहीं होनी चाहिए मिट्टी और भुरभुरी होनी चाहिए। तो मैंने जो मिट्टी के पॉट्स हैं मेरे 12 इंच के, उनमें चिली के प्लांट्स को लगा रखा है क्योंकि इसमें ये अच्छी फ्रूटिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो मिट्टी बनाई थी, मेरी वीडियोज़ भी पड़ी हैं आप देख सकते हैं चैनल पर, तो मेरा सेम मेथड रहता है, जो भी मुझे खाद अवेलेबल होती है मैं वो मिट्टी में मिक्स करती हूँ, धूप लगी हुई अच्छी स्टरलाइज मिट्टी होती है, और फंगीसाइड ऐसा तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ बट उसकी जगह मैं राख या फिर हल्दी का यूज़ करती हूँ ताकि प्लांट जो है वो किसी भी इंसेक्ट के अटैक से बचा रहे। तो मिट्टी में मैंने पत्तों की खाद और किचन कंपोस्ट ऐड किया था जब मैंने इन सैपलिंग्स को शिफ्ट किया था, उसके बाद इन्होंने एज सच फ्लावरिंग या फ्रूटिंग नहीं दी थी क्योंकि विंटर था, और अभी जाके जो है वो सीज़न अच्छा है इनके लिए फ्रूटिंग का समर का। सो सारे प्लांट्स जो हैं मेरे, ये 4 से 5 प्लांट हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छे से फ्रूटिंग आ रही है। तो इसको मैंने सीड से ग्रो किया था, आप इजीली ग्रो कर सकते हो या फिर आप सीडलिंग इसकी ले हैं नर्सरी से और आप लगा लें तो भी आप इजीली इनको ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने इनको सीड से ग्रो किया था और उसके बाद जब ये 4 से 6 इंच की हो गई थी प्लांट तो मैंने शिफ्ट कर दिया था इनको। और ये वाली सैपलिंग जो है ये मैंने अभी समर में सीड्स डाले थे तो वो अभी जो है वो अच्छे से ग्रोथ उन्होंने ले ली है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको पिंच, और पिंच करने का क्या फ़ायदा होता है, आप देख रहे हो मेरे दूसरे प्लांट्स जो बड़े हैं वो काफ़ी बुशी हैं, तो वो बुशी किस तरह से हैं, जब हम पिंच कर देते हैं प्लांट्स को तो एक साइड से 2 ब्रांचेस आ जाएंगी, फिर जब उनको पिंच करेंगे तो 2 से 4 हो जाएंगी। सो इसी मेथड के थ्रू आप अपने प्लांट को बुशी करते चले जाएं, और जितना आप बुशी करेंगे, ये भी मेरी सैपलिंग है चिली की जो मैंने शिफ्ट की थी, सो जितना हम उसको पिंच करेंगे जितनी उसमें ब्रांचेस आएंगी फ्लावर्स आएंगे उतनी अच्छी आपको मैसिव हार्वेस्टिंग भी मिलेगी चिलीज़ की। तो बिल्कुल सीधा ही अगर उसको हम बढ़ने देंगे तो एक तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा उसमें बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं होगी तो फ़ायदा नहीं होगा। सो पिंच करते रहें अपने प्लांट को, यहाँ से इसको मैंने पिंच किया था तो अभी आप देखो कितने अच्छे से जो है वो साइड ब्रांचेज आई और अब इसमें चिलीज आ रही हैं। तो इस तरह कैनोपी भी अच्छी हो जाती है और फ्रूटिंग भी अच्छी मिल जाती है। अगर आपका प्लांट हेल्दी है या आपको इंसेक्ट दिख रहे हैं तो स्प्रे मस्ट करें अपने प्लांट पे, कोई भी ऑर्गेनिक, मैं नीम ऑयल का स्प्रे ही करती हूँ, मैंने अभी तक इनको स्प्रे नहीं किया है, मैंने जस्ट इनको एक दफ़ा पानी से वॉश किया था। तो प्रिकॉशंस जो हैं वो ज़्यादा बेटर रहती हैं बजाय कि आप वेट करें कि आपके प्लांट पे कोई इंसेक्ट जो है वो अटैक करेंगे तो ही आप जो है वो उनको स्प्रे करेंगे। तो थर्ड चीज़ है फर्टिलाइज़र, जो कि बेसिक चीज़ है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पर कि चिलीज़ के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र बेस्ट रहता है। वैसे तो ड्राई फॉर्म में हम इसको दे सकते हैं, काउडंग दे सकते हैं सड़ा हुआ, किचन कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपको अच्छे से मिल जाता है आपको फर्टिलाइज़र आप दे सकते हो। बट अभी इसको मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ और मुझे इसके रिजल्ट्स हमेशा से अच्छे मिलते हैं अपने प्लांट्स के लिए, सो मैं इसको देना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं यही दूंगी। ये मेरा कैप्सिकम का प्लांट भी बडिंग पे है, तो जितने मेरे प्लांट्स हैं जैसे टमाटोज ग्रो कर रखे हैं आपने, चिलीज़ हैं, कैप्सिकम है, ब्रिंजल है,
या अभी समर की कुछ वाइन की वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि अभी जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, नॉर्मल है, तो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र अभी एक दो दफ़ा दे सकते हैं। सो मैंने जो फर्टिलाइज़र रेडी किया है वो मैंने वीडियोस भी पढ़ी हैं चैनल पे, अगर आप देखना चाहें, और अगर आपको मज़ीद डिटेल चाहिए होगी तो ज़रूर इनबॉक्स में बताइएगा, मैं आपके साथ डिटेल भी शेयर कर दूँगी उसकी। तो यहाँ पर है मेरा फर्टिलाइज़र, इसमें मैंने डाला था काउडंग था, मैंने लिया एक हिस्सा, मैंने काउडंग लिया था एक हिस्सा, मैंने इसमें राख लिया था एक हिस्सा, मैंने इसमें जो हमारी मस्टर्ड केक होता है वो लिया था, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने पानी में मिक्स कर दी थी, साथ ही मैंने थोड़ा एप्सम सॉल्ट डाल दिया था और छोटा सा गुड़ का पीस डाला था ताकि ये अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाए। तो अभी आप झाग भी देख रहे हो इसके ऊपर कितने अच्छे से ये रेडी हो गया है, समर में बहुत जल्दी रेडी हो जाता है 3 से 4 दिन में। सो मैंने लिया है, इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अभी मैं इसको अपने प्लांट्स को दे दूँगी। तो पहले इसको डाइल्यूट करना ज़रूरी है, ऐसे आप कभी भी मत दीजिएगा अपने प्लांट्स को। और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैंने सोचा मैं अपने प्लांट्स में डाल दूँ सभी में, सो मिक्स करके इसको मैं सारे प्लांट्स में डालने वाली हूँ। बेस्ट फर्टिलाइज़र है फ्रूटिंग के टाइम पे, और इवनिंग में दीजिए या बहुत मॉर्निंग में दीजिए अपने प्लांट्स को, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो भी माइक्रो भी, जो कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं, खासकर जब आपका प्लांट जो है वो फ्रूटिंग पे हो फिर तो बहुत ही अच्छा है। सो यहाँ ये बकेट है, बकेट में 6 इंच की बकेट है और 2 प्लांट हैं, और फ्रूटिंग भी आप चेक कर सकते हो अच्छी आ रही है बकेट के हिसाब से। सो यहाँ पर मैं इनमें भी फर्टिलाइज़र डालूँगी, टमाटोज में भी, चिलीज़ में और कैप्सिकम में भी। तो आप भी ज़रूर इसको बनाइएगा, अपने प्लांट्स में दीजिएगा। आप जब 1 से 2 दफ़ा इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे, आप यकीन माने आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और आप इसी फर्टिलाइज़र को बना के अपने गार्डन में देना पसंद करेंगे। सो फर्टिलाइज़र हो गया रेडी, मैंने डाइल्यूट कर लिया, अभी मैं इसको डाल दूँगी पॉट्स में। जितना आपका पॉट है उसी हिसाब से दीजिए, मैं भी यहाँ डाल दूँगी अपने पॉट में सारे में। और ये कितना बुशी प्लांट है, 12 इंच के पॉट में आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ इसी तरह से नहीं हो जाती है, कुछ केयर टिप्स हैं आप फॉलो करते हैं फिर आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, और वही एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करते हैं ताकि आपके लिए भी वो चीज़ें यूज़फुल हो सकें। बेल के साथ मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि अपडेट्स भी आपको मिलती रहें, और कुछ केयर टिप्स को भी जो है वो मैं शेयर कर सकूं आपके साथ और आप तक पहुंच सकें। मैं फर्टिलाइज़र देती हूं, मिलूंगी फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।